तो हेलो गाइज़, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका 90 सर में। क्या चल आप सभी को? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़, काफ़ी ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पर भी मेरे को कमेंट भी करते रहते हैं फोटोज़ वगैरह पर भी, भाई सेंसिटिविटी सेटिंग पर एक वीडियो बना दो, आप कौन सी यूज़ करते हो। मैं दोस्तों आपको ऐसी सेंसिटिविटी सेटिंग आज बताने वाला हूँ ना, जिससे भाई AKM 6X AKM 4X 3X जो भी चलाओगे मास्टर हो जाओगे। ठीक है, जीरो रिकॉइल की सेंसिटिविटी सेटिंग बताऊँगा और कैसे यूज़ करने वो भी बताऊँगा। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, और कोई वीडियो देखने की शायद आपको ज़रूरत ना भी पड़े। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को भाई पूरा मतलब शुरू से लेकर एंड तक देखिए, और भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर न्यू हो तो, और मास्टर कर लोगे भाई इस सेंसिटिविटी सेटिंग को अगर आप यूज़ करोगे तो। ठीक है, रिकॉइल कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो काफ़ी बंदे पूछते रहते हैं, तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों जरूर बननी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से टाइम न वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ क्लिप्स की, कैसे दोस्तों 4X AKM 6X 4X 3X और M4 6X ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मेरी सेंसिटिविटी सेटिंग पर आपको दिखाऊंगा जीरो रिकॉइल। ठीक है, और एम असिस्ट ऑफ करके भी मैं खेलता हूँ इस सेंसिटिविटी सेटिंग पर। एम असिस्ट ऑफ करके भी आप खेल सकते हो, ये बहुत ही मेन बात है। ठीक है, क्योंकि एम असिस्ट से क्या होता है आपको पता है भाई, नोक वाले बंदे पर ज़्यादातर एम जाता है, तो इसमें आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एम असिस्ट आप वैसे पूरा क्लोज मत करिए, लाइट पर खेलिए। ठीक है, बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग आपके लिए। तो भाई पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं AKM पर 6X भी यूज़ कर सकता हूँ, 3X 4X भी यूज़ कर सकता हूँ, लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज कहीं पर भी यूज़ करा लो, क्योंकि परफेक्ट सेंसिटिविटी मिली है और काफ़ी टाइम प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस की है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। वैसे AKM आपको रेड डॉट पर ही चलानी चाहिए और आयरन साइड पर चलानी चाहिए, M4 6X आपको यूज़ करना चाहिए, लेकिन AKM भी 6X पर यूज़ करते हैं काफ़ी लोग। ठीक है, क्योंकि इसका डैमेज भाई आपको पता है पबजी मोबाइल लाइट के अंदर तो भाई सबसे बेस्ट अभी AKM ही है। ठीक है, AKM बिना तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर लॉन्ग रेंज आप 6X यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट रेंज कर सकते हो, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर वो आप सीख गए ना तो मास्टर कर लोगे भाई, रिकॉइल कंट्रोल में मास्टर कर लोगे, और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्टली भाई रिकॉइल हो रहा है कंट्रोल। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना, तभी आपको पता चल पाएगा। अगर लॉन्ग रेंज आप M4 यूज़ करते हो 6X पर 3X कन्वर्ट करके बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये आती है, मैं आपको वो भी प्रॉब्लम बताऊँगा। एम आपका कभी कभी चौक हो जाता है, मतलब एम आपका हट जाता है बंदे पर से, वो कैसे करूँगा देखिए बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे कि लेट कर मैं स्प्रे दे रहा हूँ, ये तो लेज़र स्प्रे है भाई, मतलब तबाही वाला स्प्रे है, मतलब बंदे पर ही जाएगा। ठीक है, बंदे पर ही जाएगा और बंदा खत्म है, मतलब इतना तगड़ा स्प्रे आपको बताऊँगा। तो अभी मैं आपको मेनली सेंसिटिविटी आपको अपनी बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा एडवांटेज डिसएडवांटेज एम असिस्ट के बारे में सारी डिटेल बताऊँगा, और एम असिस्ट पर मैं अपनी एक और डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप वैसे तो एम असिस्ट हाई पर रखिए, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है कि आप एम असिस्ट क्लोज करके चलाओ, क्योंकि ये भाई गेम ही ऐसा है, मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो ये बेसिक्स देख लीजिए आप, क्योंकि फिर बंदा आपको क्लोज में कोई भी पेल जाएगा आपको भाई। एम असिस्ट अगर आप ऑफ करके खेलोगे, उसका स्प्रे आपके हेड पर कनेक्ट होगा, आपका आपको अपने माइंड से अपने हाथ से करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है एम असिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे कंट्रोल्स, ये बिल्कुल सिंपल से हैं, ये ग्राफिक्स मैं स्मूथ और हाई स्मूथ करता हूँ तो एक्सट्रीम कर देता हूँ, बैलेंस करता हूँ तो अल्ट्रा कर देता हूँ। ठीक है, या फिर हाई पर कर देता हूँ। ठीक है, आप सेंसिटिविटी देख लीजिए। वैसे मैंने कैमरा की अब 120 की, आप यहाँ पर यूज़ करिए कम से कम 160 तक तो करिए, 160 तक करिए, या फिर 200 भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि जितनी हो सके ज़्यादा सेंसिटिविटी खेलोगे उतना ही अच्छा है। नोस्कोप की आप देख लीजिए 168, रेड डॉट की देख लीजिए, ये आप देख लीजिए एक बार सेंसिटिविटी। ठीक है, वैसे इनको इंस्टाग्राम पर भी अपलोड मैं कर दूंगा, तो नोस्कोप की देख लीजिए आप सेंसिटिविटी कितनी, मतलब कैसी है नोस्कोप की, ADS की सेंसिटिविटी। ठीक है, ADS की सेंसिटिविटी मैं एक पर करके खेलता हूँ 3X की एक पर और दो पर करके खेलता हूँ। वैसे आप 12 या 13 रखिए, ये एक पर क्यों करके खेलता हूँ ये भी बताऊँगा आपको आने वाली वीडियोज़ में, इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। अब मैं ये वीडियो मेनली बना रहा था रिकॉइल पर, तो भाई जायरो, अगर आप जायरो यूज़ नहीं करते, मैं स्कोपन जायरो हूँ, तो भाई फ़ायदा नहीं है रिकॉइल का, मतलब जायरो अगर आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे तभी आप मास्टर कर सकोगे। देखो थम से बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो थम से कंट्रोल कर लेते हैं रिकॉइल, लेकिन जायरो को भाई अपना ही मजा है, क्योंकि आपको थंब यूज़ करना ही नहीं है, सिर्फ बंदे पर एम करना है और अपने मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा सा डाउन मतलब टिल करना है आगे की तरफ, तो जायरो से आपका पूरा कंट्रोल होगा भाई, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ बिना, जैसे मैं तो पबजी मोबाइल में प्रैक्टिस करता हूँ, बिना आपको जायरो कैसे सीखना है फुल वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, पबजी मोबाइल लाइट गेम में अभी ट्रेनिंग मोड नहीं है वैसे तो आएगा, लेकिन उससे पहले आप जायरो अगर सीखना है तो वो कैसे हम सीखे वो करें, तो आप सिंपली से कमेंट कर दीजिए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अब ये मेरी सेंसिटिविटी थी भाई जो कि मैंने आपको प्रॉपर बता दी। ठीक है, ये सेंसिटिविटी आप कॉपी कर लीजिए या फिर अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइजेशन कर लीजिए सेंसिटिविटी में, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, रिकॉइल आपका जीरो हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ।
ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, मैं भाई एक एम पर 6x 4x 3x कोई भी चला सकता हूँ M4 पर, और वैसे तो भाई इतना मुश्किल नहीं है इस गेम के अंदर। मेन बात है पबजी मोबाइल में, पबजी मोबाइल के अंदर भी ऐसे ही यूज़ करता हूँ, मतलब यही सेम सेंसिटिविटी है, इससे थोड़ी ही हाई है, लेकिन इसके उसके मतलब पबजी मोबाइल के हिसाब से हम पूरी सेंसिटिविटी इसमें कॉपी नहीं कर सकते। उसके हिसाब से मैंने इसमें कस्टमाइजेशन की है, जो कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना, लेकिन मैंने वहाँ पर आपको बता दी कि कितना आपको क्या रखना चाहिए, ठीक है। तो मेन बात है एम असिस्ट के बारे में बता रहा था मैं आपको। एम असिस्ट भाई आप बिल्कुल क्लोज मत करिए, मीडियम से ऊपर आप थोड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्लोज में बंदा फिर भाई क्या होगा, नोक बंदा पड़ा है तो उस पर एम जाएगा। मेनली डिसएडवांटेज ये एम असिस्ट का, वैसे एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, खिड़की में बंदा खड़ा है, ठीक है, खिड़की में अगर बंदा खड़ा है तो उस पर एम जाएगा आपका हेड पर, ठीक है, तो वहाँ पर पेलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर लेट के स्प्रे दे रहे हो भाई, बंदा जाए बंदे के हाथ में ओम ही क्यों ना हो, स्नाइपर क्यों ना हो, ठीक है, आप उसको ईजिली पेल दोगे, ठीक है, इजिली पेल दोगे अगर बंदे के हाथ में स्नाइपर वगैरह भी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी भाई इस प्रकार की इस सेंसिटिविटी में, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अगर आप चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे, वंदे मातरम।